अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नई सुबह की रश्मियां एक नया इतिहास लिख रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार के 21 द्वीप समूहों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया है। एक नाम राजस्थान में झुंझुनू जिले के कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत का भी है। 1948 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पीरू सिंह अदम्य साहस दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। उन्नीस की गर्मियों में जब पाक सेना और कबायलियों ने मिलकर जम्मू कश्मीर पर आक्रमण करके किशन गंगा नदी पर बने अग्रिम मोर्चे को भारतीय सेना को छोड़ने पर मजबूर किया, तो सेना ने टिथवाल पहाड़ी पर मोर्चा संभाला। दुश्मन ऊंचाई पर अपनी जगह जमा बैठा था, वहां से दुश्मन को खदेड़ने का जिम्मा मिला राजपूताना राइफल्स की डी कंपनी को। इस कंपनी की अगुवाई कर रहे थे पीरू सिंह शेखावत। भारतीय सैनिकों को संकरी और खतरनाक मार्ग से होकर गुजरना था। यह रास्ता दुश्मन के बंकरों की जद में था, जिसका फायदा उठाकर दुश्मन ने कंपनी पर भीषण हमला किया और 51 सैनिक शहीद हो गए। बहादुर पीरू सिंह अपने बचे साथियों के साथ राजा रामचंद्र की जय का उद्घोष करते हुए आगे बढ़ते गए। उनका पूरा शरीर गोलियों से घायल था, लेकिन वे दुश्मन पर गोलियां बरसाते हुए आगे बढ़ते गए। पीरू सिंह ने दुश्मन को भी तबाह कर दिया, मगर खुद भी हमेशा के लिए मां भारती की गोद में सो गए। पीरू सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।